ओके ओके सो एक क्वेश्चन ये आया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार ये तो। नंबर ऑफ जीरोस मुझे थे इस एनालिटिक फंक्शन के, राइट? तो फंक्शन जो गिवन है वो है 2z^7 -7z^5 -2z³ -z-1, और कहाँ पूछा था? यूनिट डिस्क में पूछा था, राइट? तो इसको तो देखते ही पता चल जा रहा है कि जो इसका आंसर है वो 5 होने वाला है, राइट? और रॉची थ्योरम से ही आने वाला है इसका आंसर, ये भी क्लियर है। देख लेते हैं रोचेस थ्योरम क्या बोलता है। रोचेस थ्योरम में बोलता है कि मान लो आपके पास दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ जेड और एक है जी ऑफ जेड, ठीक है? एक है एफ ऑफ जेड एंड एक मान लो है आपके पास क्या, जी ऑफ जेड। तो अगर आपके पास दो फंक्शन है और किसी डोमेन डी में, जैसे यहाँ पर अपना हमारा डोमेन क्या है, यूनिट डिस्क, तो हमारा डोमेन क्या हो गया, डी। अगर दो फंक्शन है और अगर मान लो कि जी ऑफ जेड मॉड ऑफ जी ऑफ जेड की बात करते हैं, वो लेस देन है इससे मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड से, ठीक है? अगर इससे लेस देन है इन अ डोमेन डी तो क्या होता है, एफ ऑफ जेड मतलब जो फंक्शन हमारा बड़ा है उसकी बात करते हैं, एंड एंड एफ एफ ऑफ जेड नहीं लिख रहा हूँ, खाली एफ लिख रहा हूँ, समझ जाना एफ ऑफ जेड ही है। एफ प्लस जी जो होता है, एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड हैज द सेम नंबर ऑफ जीरोस, तो ये हमारा है थियरम है, सिंपल सा। तो यहाँ पे देखो एफ को मैंने क्या ले लिया, एफ को मैंने ले लिया यहाँ पे -7 z^5, और जी को मैंने क्या ले लिया, 2z^7 -2z³ -z और -1। तो अब यूनिट डिस्क की बात किया है, मतलब अगर इसको देखा जाए तो एक क्या लिखा हुआ, बेसिकली मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 लिखा हुआ है, ये ठीक है लिखा हुआ है। तो अगर आप मॉड ऑफ एफ निकालोगे यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एफ जो है मिलेगा इक्वल टू मॉड ऑफ -7 z^5 तो मॉड में से तो बाहर आ जाएगा 7, तो इसका आंसर कितना आएगा, बेसिकली 7, राइट? अब आगे बात करते हैं, अब मॉड ऑफ जी ऑफ जेड हम क्या करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा देंगे, ठीक है? मॉड ऑफ अगर जी ऑफ जेड जब निकालेंगे जो जब ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाओगे तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू में चले जाएगा ये, तो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी इसकी 2 + 2 + 1 + 1, तो 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पे हमें ये कंडीशन मिल गया कि मॉड ऑफ जी ऑफ जेड इज लेस देन क्या हो गया, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, ये 7 हो गया, 6 हो गया। तो अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जेड और f प्लस जी के पास सेम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो f ऑफ जेड के पास कितने जीरोस होंगे, 5 जीरोस होंगे, क्योंकि z^5 है, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मेन फंक्शन मिल जाएगा, तो इस मेन फंक्शन के पास में कितने जीरोस होंगे, 5 जीरोस होंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब करने की जरूरत नहीं थी, हार्डली 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन था ये। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ चेंजेस है वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, आपने क्या आंसर दिया था वो भी बता दो।